हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सिक्स केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है कॉन्वेक्स लेंस का सिक्स केस रे डायग्राम ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ वन एंड ओ। इसके लिए बेसिक डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एन ओ। इसमें कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है छोटा बनाए, हाइट जो है हाफ सेंटीमीटर बना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ सेंटीमीटर अगर आप बना लेते हैं तो इमेज का जो स्केल है वो थोड़ा सा आपके विद इन कॉपी की रेंज में आ जाएगा। बड़ा बनाएंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत बड़ी इमेज बने और आपके पूरे पेपर में ना आ पाए, शीट में ना आ पाए। तो फिर से वही रूल यूज़ करने हैं, पी एफ एन ओ ओ। तो हम लोग यूज़ करेंगे पैरेलल टू फोकस, ये आपका पैरेलल हो गया और ये हो गया फोकस। तो आप इसमें ड्रॉ करेंगे फोकस, अब देखिए हमें पता है कि इसका जो केस होगा इसमें जो इमेज बनेगी वो पीछे बनेगी, बिहाइंड द लेंस बनेगी, या बिहाइंड द लेंस ना कह के हम कहेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की ही साइड में बनेगी। तो हमें पहले से पता है तो हम स्केल को उसी हिसाब से रखेंगे ताकि डॉटेड लाइन हम पहले ही खींच लें, बार बार हम इसको ना खींचें। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ किया आगे का डार्क वाला, क्योंकि आगे ये जा रही है और पीछे हम लोगों ने इमेजिन किया है कि ये पीछे जाएगी, तो हम इसको डॉटेड ड्रॉ कर लेते हैं। लंबा खींच लेंगे क्योंकि ये पीछे काफ़ी दूर भी जाकर मिल सकती है। अब सेकंड केस हो गया या सेकंड रूल हो गया आपका ओ ओ, तो आपको मिला देना है टिप को ओ से। देख रहे हैं ये लाइट रे पीछे जाकर मिलने वाली है, तो हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका हो गया, आगे बिल्कुल डार्क लाइन बनाएंगे। आप देख रहे हैं डाइवर्जिंग रेज हैं आगे, तो पीछे की तरफ ही कन्वर्ज हो जाएंगे। और आपने ये ड्रॉ किया डॉटेड लाइन, और ये यहाँ पर आकर फाइनली मिल भी जाती है। तो ये आपका पॉइंट हो गया मिलने का। तो आप इसमें इमेज बना देंगे, इमेज आपकी बन गई, एरो दोनों लाइट रेज ऊपर मिल रही हैं तो एरो ऊपर बनेगा। तो ये आपका सिक्स केस बन गया। इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ठीक है, ये आप देख रहे हैं ठीक है। अब साइज ये छोटा है ये बड़ा है, एनलार्ज इरेक्ट है और इरेक्ट है और पीछे डॉटेड है, वर्चुअल है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने सारे छः के छः केस ड्रॉ किए। इनकी तीन चार बार प्रैक्टिस करेंगे इनिशियली तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर एरोस नहीं बनाए हैं तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे अगर मैं एक स्टूडेंट होता, तो आप ज़रूर बनाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। डॉटेड लाइन पर एरो नहीं बनते हैं। तो आई होप 6 के 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आपको पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे बिना मिस किए हुए। थैंक यू वेरी मच।